घुघुस के बीआरएसपी नेता पाइक राव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने दर्जनों किसानों ने पुलिस थाने पर दस्तक दी। राजूरा तहसील के यह किसान आखिर घुघुस में क्यों पहुंचे, आइए नजर डालते इस खबर पर। सफेद झंडा कामगार संगठन के अध्यक्ष एवं बीआरएसपी के जिला महासचिव सुरेश पाइकराव के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने की मांग संतप्त किसानों ने की। राजूरा तहसील के सुबई चिंचोली परिसर के लगभग 60 से 70 प्रकल्पग्रस्त किसानों ने घुघुस पुलिस थाने पर दस्तक देकर बीआरएसपी नेता पाइकराव के खिलाफ किसानों से धोखाधड़ी एवं लूट करने का आरोप लगाते हुए अपराध दर्ज करने का निवेदन पुलिस उप निरीक्षक संजय सिंह को दिया। बताया जाता है कि राजूरा तहसील के विरूर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले सुबई एवं चिंचोली गांव के 87 प्रकल्पग्रस्त किसानों के साथ पाइक राव ने धोखाधड़ी की। वेकोली के माध्यम से खेती का मुआवजा व नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर 4,35,000 रुपए ऐंठ लिए, ऐसा आरोप किसानों ने इस समय लगाया। इस मामले में 21 जनवरी 2022 को विरूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी, परंतु 10 दिन बाद भी जब किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई तब संतप्त किसानों ने सीधे वहां से घुघुस पुलिस थाने में दस्तक दी। उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह से एसीसी कंपनी के न्यू पैकिंग हाउस प्लांट के कामगारों की मांगों को लेकर बीआरएसपी नेता पाइक राव आंदोलन कर रहे हैं, कंपनी पर पीएफ चोरी का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, परंतु स्वयं के खिलाफ ही शिकायत दर्ज होने के बावजूद पाइक राव ने पीड़ित किसानों के 4,35,000 रुपए नहीं लौटाए। एक तरफ कामगारों की मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले पाइक राव द्वारा ही किसानों से धोखाधड़ी किए जाने की बात किसानों ने कही, वहीं नेता एवं पुलिस की साठगांठ से ही प्रकल्पग्रस्त किसानों पर अन्याय होने का आरोप भी किसानों ने इस समय लगाया। इस मामले में क्षेत्र के सांसद किसानों का पक्ष संसद में रखे, ऐसी अपील भी इस समय किसानों ने की। वहीं बीआरएसपी नेता पाइक राव के खिलाफ 420 की धारा अंतर्गत अपराध दर्ज न होने पर पाइक राव जहां आंदोलन कर रहे हैं उसके पंडाल के पास ही आंदोलन करने की चेतावनी किसानों ने दी है। मी प्रवीण मेकर तिवार प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिति चा सल्लागार आहे। आणि आमच्या संघर्ष समितीतील जे शेतकरी आहे ते शेतकरी जवळपास एक महिन्याच्या अगोदर आपल्या नागपूर येथे संविधान चौकामध्ये आंदोलनाला बसले होते। ते आंदोलनाला बसण्याचं कारण हे होतं की वेकोलीने 10 वर्षाच्या अगोदर या शेतकऱ्यांची जमीन, म्हणजे माझीसुद्धा आहे, ते शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित केली होती आणि अधिग्रहित केली त्यानंतर त्याचा मोबदला म्हणून नोकरी किंवा त्याचा पैसे हे काहीच न दिले, त्यामुळे आणि त्या याच्यामध्ये सुरेश मल्हारी पाईकराव या व्यक्तीनं या शेतकऱ्यांना असं सांगितलं की तुम्हाला मी नोकरी मिळवून देईल आणि तुमचा मोबदलासुद्धा मिळवून देईल, त्या बदल्यात तुम्ही माझ्यासोबत या, माझ्यासोबत संघर्ष करा असं सांगून त्यांना नागपूर इथं संविधान चौकात बसायला लावलं। आणि बसायला लावल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीकडून पैसे कलेक्ट केले आणि पैसे कलेक्ट केल्यानंतर ह्या जे शेतकरी आहेत त्यांना ह्या सर्व गोष्टीचं काहीच ज्ञान नव्हतं की हा जो व्यक्ती करत आहे तो व्यक्ती, त्यांनी जो निर्णय घेतला होता की तुम्हाला शेती परत केली जाईल आणि तुमची जी शेती आहे ती डिनोटिफाईड केली जाईल, परंतु सर्व शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की जी नोटिफाईड करणं हे आम्हाला मान्य नाही आहे, आम्हाला शेतीच्या बदला नोकरी आणि त्याच्यानंतर जो मोबदला आहे तो मोबदला पाहिजे। आणि 10 वर्षापासून वेकोलीनं जे काही शेती अधिग्रहित केलेली आहे त्याचा मोबदला आम्हाला पूर्णपणे मिळाल्याशिवाय आम्ही इथून हटणार नाही, याच्यानंतर आम्ही तीव्र आंदोलन करू, अशा स्वरूपात हे सर्व शेतकरी इथं एकत्रित आलेले आहे। आणि त्यांनी जे पैसे घेतले होते त्या पैशाच्या विरोधात किंवा ते पैसे त्यांना परत मिळाले पाहिजे, त्यासाठी आज घुघुस येथे पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांनी तक्रार दिलेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, चंद्रपूर।